ये देखिए मैं हूँ आज आसन में, आसन बैराज है ये, आपका देहरादून में पड़ता है डाक पत्थर के पास में। और ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, जो ये आसन बैराज है इसकी स्थापना जो मतलब बनाया गया था 2005 में इसको बनाया गया था, और उसके बाद 2020 में इसको जो रामसर साइड है वो भी घोषित किया है, उत्तराखंड का पहला रामसर साइड है ये देखो। और जो प्रवासी पक्षी हैं, प्रवासी पक्षियों के लिए बहुत ही फेमस है ये, साइबेरिया के से जितने भी पक्षियाँ आती हैं वो आती हैं यहाँ पर, ये आएंगे अक्टूबर से लेके मार्च तक आती हैं, इसके बीच में आती हैं और यहाँ रहती हैं, उसके बाद फिर वो अपने घर जो उनका जहाँ से आती हैं साइबेरिया से वहीं चली जाती हैं। ये है देखो और यहाँ पर बोटिंग की भी सुविधा है, बोटिंग यहाँ बोटिंग है जो सामने बोटिंग देख रही है, यहाँ पर लोग आ रहे हैं बहुत दूर दूर से। आसन बैराज ये देखो कितना खूबसूरत आसन बैराज देहरादून के पास में, पर्यटकों के लिए सबसे सुंदर स्थान है यहाँ का आसन बैराज। ये देखिए ये काफ़ी खूबसूरत, देखो कितना खूबसूरत लग रहा है और कितनी अच्छी अच्छी यहाँ पर पक्षियाँ भी आए, अभी तो खैर पक्षियाँ यहाँ पर कम हैं क्योंकि जो अभी टाइम ये सीज़न तो लोकल जो यहाँ के इंडियन हैं वहीं पक्षियाँ मिलेंगी, जो विदेशी पक्षियाँ हैं वो आती हैं आपकी अक्टूबर के बाद, अक्टूबर से मार्च के बीच में आती हैं, मार्च के बीच में। और ये जो नदी है ये आसन नदी है, आसन और जो जो यमुना है, यमुना नदी का जो नहर कैनाल है यहाँ पर उसका पानी भी इसमें आता है, तो खुशी का पानी है ये आसन और यमुना नदी का, और बहुत ही खूबसूरत है और काफ़ी नज़दीक भी है देहरादून के, आप अगर आओगे तो देहरादून जब भी आओ तो यहाँ आओ घूमने, सबसे बड़ा जो भाई है। और ये नहर है जो ये नदी जा रही है, ये नदी मतलब पूरा दलदली भूमि है, देखो सारा दलदली भूमि है, इसीलिए पक्षियों के लिए सबसे बड़ी अच्छी जगह है ये, पक्षियाँ यहाँ पर आ रही हैं देखो वहाँ बैठे हैं। ये हाईवे जो हरबरपुर विकास नगर और हिमाचल वाला को जाते हैं सारे यही है, वो यहीं से ही जाते हैं। पूरा दलदली भूमि है, पूरा पानी पानी भरा है। अभी हम यहाँ देख लिया हमने, अब हम सीधे अपने कैंपस की तरफ चलेंगे जो है यहाँ रामपुर मंडी बोलते हैं, यहाँ पर रामपुर मंडी कैंपस में चलेंगे, वहाँ पर
थोड़े देखते हैं साफ सफाई का अभियान चलाते हैं, थोड़ी साफ सफाई करेंगे, उसके बाद फिर हम कहीं और जगह जाना है हमने, फिर और जगह जाएंगे।